नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का रविवार को नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 80 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता पार्टी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आई थी और वह उत्तराखंड सदन में ठहरी हुई थी। नेता प्रतिपक्ष को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली से सीधा हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदयेश के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजी 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 थोड़ा सा पीछे जाइए। हलो हलो भाई साहब, थोड़ा पीछे कर लो, कैमरा याद रहे यार भाई। अरे लाइव है। पंजी पंजी बुलाई थी कोविड के समय में जुड़ना और उनके जो सुझाव थे वो प्रदेश के हित में और कोविड के तहत। सर इंदिरा जी के बहुत सारे सपने थे, खासतौर से हल्द्वानी आईएसबीटी की बात की जाए, क्या उसको पूरा करने के लिए सरकार